सर सर एक मिनट सर, पिस्टल दे। आपको याद होगा कि पाकिस्तान स्पॉन्सर जो टेररिज्म है उसको वो नए नए चेहरे प्रदान करने की कोशिश में हमेशा रहते थे, और पिछले कुछ अरसे में 1-2 करोड़ पैसे नए फ्लोट किए गए, जिनके जरिए से जैश ए मोहम्मद जो कि पाकिस्तान का टेररिस्ट आउटफिट है, लश्कर ए तैयबा जो कि पाकिस्तान का टेररिस्ट आउटफिट है, वहाँ की सर जमीन से काम करता है, नाम देने के लिए इनकी की हुई आतंकी कार्रवाइयों को, दहशतवादी की कार्रवाइयों को लोकल नाम देने के लिए जहाँ पर नए आउटफिट जो है वो खड़े किए गए, उसमें TRF के नाम से एक आउटफिट आया, द रेजिस्टेंस फ्रंट जो लश्कर ए तौबा का एक फ्रंट है, लोकल नाम है। जितनी कार्रवाइयाँ लश्कर ए तौबा पिछले अरसे से कर रहा है वो लश्कर ए सॉरी वो TRF के नाम पे यहाँ पर ओन की जाती थी। उसके अलावा जैश ए मोहम्मद जो दूसरा ड्रेडेड टेररिस्ट आउटफिट है पाकिस्तान का, उन्होंने नए नए यहाँ पर ग्रुप खड़े करने की कोशिश की, जिसमें एक ग्रुप हाल ही में अगस्त 20 से एक्टिव हुआ लश्कर ए मुस्तफा के नाम से। इनकी ट्रैकिंग कश्मीर की तरफ से काफ़ी लंबे अरसे से दोनों नए खड़े हुए ग्रुप्स की लीडरशिप की जा रही थी, और कश्मीर की पुलिस खासतौर पे अनंतनाग की पुलिस ने जम्मू पुलिस के साथ मिलकर के इन दोनों ग्रुप्स की लीडरशिप को बेनकाब किया, और दोनों के चीफ कमांडर जो हैं उनको पकड़ लिया गया है। उनमें से एक जो चीफ कमांडर है इसका हदायतुल्ला मलिक नाम है। हदायतुल्ला मलिक जैश का, जैसे मैंने कहा कि जो लोकल आउटफिट लश्कर ए मुस्तफा है उसको लीड कर रहा था, और पिछले काफ़ी अरसे से वो एक्टिव था मिलिटेंसी रिलेटेड कार्रवाइयों में। काफ़ी लंबा अरसा OGW का काम करता रहा, और उसके बाद एक्टिव मिलिटेंट बन के जैश के साथ जैश के डायरेक्शन के ऊपर उसने नया एक आउटफिट तैयार किया। वो आउटफिट तैयार करने के बाद साउथ कश्मीर के एरिया में आतंकी कार्रवाइयाँ अलग अलग तरह की करता रहा, और अभी इस ताक में था कि जम्मू के इस एरिया के अंदर अपना हाइड आउट अपना अड्डा तैयार किया जाए, ताकि आतंकी कार्रवाइयाँ कश्मीर के साथ साथ जम्मू के एरिया में भी की जा सके। और उसके अलावा पाकिस्तान से जो हथियार अलग अलग जरिए से आते हैं, चाहे वो बॉर्डर से किसी मिलिटेंट्स के थ्रू आए, जो टनल्स खोदी गई उसके थ्रू भेजे, या फिर ड्रोन्स के जरिए से जो वेपन फेंके जाते थे उनको रिसीव करने का एक नेटवर्क जहाँ पर बनाया जाए और फिर उनको ट्रांसपोर्ट करके कश्मीर भी भेजा जाए। इसके साथ इसने एक और नेटवर्क खड़ा किया था जो पंजाब के साथ मिलकर जो इसके साथी हैं उनके जरिए से बिहार से वेपन मंगवाने का नेटवर्क खड़ा किया था, और बिहार से अभी तक 7 से ज़्यादा पिस्टल जो हैं वो लाए जा चुके हैं, और अलग अलग आतंकी कार्रवाइयों के लिए उनको आगे तकसीम किया गया। उसके अलावा एक नेटवर्क ऐसा भी बनाया जिसमें कुछ लड़के पंजाब में कश्मीर बेस्ड लड़के जो पंजाब में अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं उनको शामिल किया गया, और जब जब उनकी ज़रूरत पड़ती है किसी कार्रवाई के लिए जम्मू में या कश्मीर में या बाहर से वेपन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया। जैसे जी आईडी वाले केस में आपने देखा कि ये भी लड़का पंजाब में पढ़ रहा था, इसके साथी भी 1-2 पंजाब में बेस बना के काम कर रहे थे, उन्हीं को इस्तेमाल करके छपरा बिहार से जो 7 पिस्टल लाए गए वो इसमें उसका खुलासा हुआ है। इसके अलावा आपको याद होगा कि 2018 में बहुत सारी आतंकी कार्रवाइयों में जैश ए मोहम्मद शामिल था, बहुत सारे दहशतगर्द पाकिस्तान की तरफ से एक टनल के जरिए से जहाँ पर आते थे, और उस टनल के जरिए से जो आतंकी आते थे उनको रिसीव करने के लिए आशिक डेंगरू नाम का कश्मीरी दहशतगर्द आता था।
ये उसका एसोसिएट रहा और किसी एक स्टेज के ऊपर आशिक नंगरू को दिसंबर 19 के आसपास उसको जहां से टनल के जरिए से परिवार के समेत जिस टनल से आतंकवादियों को लाया जाता था उसी टनल से परिवार समेत उसको निकाल के पाकिस्तान भेजा गया। आशिक नेंगरू अभी पाकिस्तान से पाकिस्तानी एजेंसियों के इशारे पर दहशतगर्दी को डायरेक्शन दे रहा है और दहशतगर्दी की लॉजिस्टिक और बाकी इंतजाम कर रहा है। इसके साथ साथ तो इस आतंकी को जो पाकिस्तान में हैंडल करने वाला आदमी है जिसको अलियास डॉक्टर के नाम से जानते हैं, उसके कहने पर ये बंदा दिल्ली भी जाता है और दिल्ली में जाकर के हमारे NSA साहब अजीत डोभाल साहब के जो जहाँ पर ऑफिस है उन एरिया की रेकी करता है, फिल्म बनाता है और वो फिल्म बना के पाकिस्तान अपने हैंडलर को भेजी जाती है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी अपने टारगेट जिनको ये निशाने पे लाना चाहते थे, खासतौर पर जैश ए मोहम्मद जिनको निशाने पे लाना चाहती थी, उनकी रेकी इनके जरिए से करवा रही थी और उस रेकी के बाद वहाँ पर भी इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ प्लान करने का मनसूबा पाकिस्तान की एजेंसी ने खासतौर पर जैश ए मोहम्मद ने बना रखा था। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिसके चलते ये जो हदायतुल्ला के पकड़े जाने के बाद इन चीज़ों का खुलासा हुआ। एक बैंक लूटा गया था नवंबर 20 में शोपियां के एरिया में, 60 लाख रुपए बैंक की कैश वैन जा रही थी उसको रोक करके उससे कैश लूट लिया गया था, उसमें भी आतंकी इसके साथ जो शामिल थे वो आइडेंटिफाई हुए हैं और इसने माना है कि बैंक कैश की लूटिंग में किसी का हाथ था। इसकी निशानदेही पर अभी तक इसके 4 एसोसिएट पकड़े गए हैं, इसकी वाइफ भी उसमें शामिल है, बाकी तरह एसोसिएट भी पकड़े गए हैं और पुलिस की बाकी की कार्रवाई अभी जम्मू कश्मीर में जम्मू जिला की पुलिस और अनंतनाग की पुलिस अपने DIG और IG की क्यादत में मिलकर के उस पर फर्दर जो इंटरोगेशन का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है। दूसरी बड़ी कामयाबी जो हदायतुल्ला के अलावा जो 12 और 13 की रात को जो दूसरा आतंकी पकड़ा गया है जिसका नाम जहूर है, जहूर राथर इसका नाम है, इसको खालिद भी कहते हैं और साहिल भी नाम है इसका। लश्कर ए तौबा की फ्रंट को जो रन कर रहा था TRF को, ये TRF का चीफ था, ये भी बहुत लंबा अरसा पहले खुद OGW के खाते में काम करता रहा। इसकी बड़ी बात ये है कि ये बहुत पुराना ट्रेंड मिलिटेंट है, 2002 में ये हिजबुल मुजाहिदीन के साथ काम करता था, जहाँ से बॉर्डर पार गया था, बॉर्डर पार जाके पाकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल करी थी और जब वापस लौट के आया था तो 5 फॉरेन टेररिस्ट रजौरी के रूप से लेकर के जब वापस आया था, उसके बाद ये लगभग 5 साल एक्टिव रहा और 2006 में इसने सरेंडर कर दिया था और सरेंडर करने के बाद ये आराम से बैठा था, मगर इसकी एक्टिवेशन 2019 के अंदर दोबारा होगी और 2019 के अंदर जो इसके हैंडलर पाकिस्तान में बैठे जो जानते थे इसका पोटेंशियल क्या है, उन्होंने इसको नया आउटफिट जो बनाया TRF उसकी जो कमांड उसके हाथ में दी और TRF के चीफ का भी ये काम कर रहा था। इसने अपना काफ़ी बड़ा नेटवर्क कश्मीर के अंदर पैदा कर दिया जिसमें से 8 लोगों की पहचान अभी तक हो चुकी है, उसमें से कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं, उनकी इंटरोगेशन कश्मीर वाली साइड पर शुरू हो चुकी है और ये जब पकड़ा गया क्योंकि इसको सरेंडर मिलिटेंट होने के नाते इसके ऊपर कोई शक नहीं था। इसकी जो अभी तक की जो डेवलपमेंट सामने आई है, कुलगाम में 3 BJP के जो एक्टिविस्ट हैं उनको मारा गया था, उसमें इसकी शमूलियत थी, जो खुद उसमें शामिल था। उसके अलावा कुकरनाग के एरिया में पुलिस के एक जवान को हलाक किया गया था, उसमें भी जो शामिल था। इसकी पूछताछ अभी काफ़ी शिद्दत से जारी है और मैं ये समझता हूँ कि जिस लेवल पे ये ऑपरेट कर रहा था इसकी काफ़ी सारी और आतंकी गतिविधियों का पता इसमें से चलेगा। तो आपके सामने 3 बड़े ऑपरेशंस का खुलासा हुआ जिसमें जैश ए मोहम्मद का फ्रंट लश्कर ए मुस्तफ़ा, लश्कर ए तौबा का फ्रंट TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट और इसके साथ एक और नया आउटफिट जिसको पाकिस्तान फिर से सक्रिय करने की कोशिश में है जिसको अल बदर कहते हैं। अल बदर का जिसने ID जहां पर लाके जम्मू शहर में किसी भीड़ वाले इलाके में
लगाने की ताक में थे, उससे पहले ही पुलिस ने उसको पकड़ लिया, जिससे बहुत बड़ा हादसा टल गया। पिछले दो रोज से हम लोग बहुत बड़ी अलर्ट साउंड करके चल रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस बात की अलग अलग एजेंसी से और पुलिस के जरिए से रिपोर्ट आ रही थी कि ये कोई ना कोई बड़ी जो कार्रवाई आज के दिन पुलवामा के अटैक के दिन दूसरी नवरात्रि के दिन कहीं ना कहीं अंजाम देंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी पुलिस को और अपने उन सब मेंबर्स को जिन्होंने इन ऑपरेशन में हिस्सा लिया, बहुत बड़ा हादसा होने से रोका और दो चीफ कमांडर्स को पकड़ा जिन्होंने बहुत सारी तंगी कार्रवाइयाँ पहले करी हैं और बहुत सारा नेटवर्क उनका जो है उसको बस किया गया है और ज़्यादा एसोसिएट्स और ज़्यादा उनकी तंगी कार्रवाइयाँ सामने आने का अनुमान है। बहुत बहुत शुक्रिया।